हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का जो सेफ स्कोर क्या होने वाला है, आप कितने नंबर कर के आओगे एग्जामिनेशन में ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो हो पाए, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हम लोग बात करेंगे, प्रीवियस में कितनी कट ऑफ रही थी और कितनी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट आपका कितना होना चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी एसएससी सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कितने सेफ अटेम्प्ट आपके होने चाहिए मेंस में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि सिलेबस बदल चुका है तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन प्रेस करना, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग मेंस के पैटर्न को देखते हैं। मेंस का पैटर्न जो है पिछली बार से बदल गया है, क्योंकि अब तक जो क्या होता था, अब तक ये होता था कि 200 मार्क्स के आते थे आपके मैथ्स क्वांट सॉरी और 200 मार्क्स के आते थे आपके इंग्लिश, यानी ओवरऑल ये 400 मार्क्स का होता था पेपर मेंस का, 400 मार्क्स का होता था। अभी ये 390 का हो रहा है, ठीक है, अभी ये 390 का हो रहा है और इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो ऐड कर दिए गए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पेपर फर्स्ट में सेशन वन है जो कि 2 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें आपका क्वांट दिखेगा, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग दिखेगी, जनरल इंटेलिजेंस। मैथ के आपके क्वांट के 30 और इसके 30, यानी अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, 90 और 90, यानी टोटल जो है 60 क्वेश्चन आपके 180 मार्क्स के होंगे, जिसमें 1 घंटे आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम सेशन 2 की बात करते हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश और जीए जनरल अवेयरनेस दो चीज़ें मिलती हैं, इंग्लिश के आपके 45 और ये हो जाते हैं आपके 135, ठीक है, और ये हो जाते हैं 25 से 75, तो आपके टोटल ओवरऑल 70 क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 210 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेशन वन है, सेशन टू है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें सेशन थ्री है कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, 15 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब कंप्यूटर नॉलेज के लिए अलग अलग से बनाया गया है, कि ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज केवल क्वालिफाई करना है तो आप उस हिसाब से पार। हो सकता है कि जिसमें कंप्यूटर कंपलसरी हो वो सारे पोस्ट, जैसे EEO की पोस्ट हो गई, ठीक है, और टोटल 12 पोस्ट ऐसी हैं जिसमें MEA में भी कंप्यूटर जो है वो ज़रूरी है, जिसमें ये कंपलसरी है कंप्यूटर, और इन 12 पोस्ट के लिए जो SSC है वो अलग से हाई कट ऑफ बना सकती है। तो आपको ये जो 60 मार्क्स हैं इनमें से मिनिमम मान के चलो कि 30 आपको नंबर करने ही करने हैं, 50% तो मिनिमम मान के चलो, भले ही आपके पास 50% नहीं दिया गया, 40 और 30 का रेशियो दिया गया, 40 UR 30 OBC, लेकिन आप यहाँ पे 30 मान के चलो, 50%, ठीक है, ताकि आप मेरिट में रहो। अगर इसमें आप फेल हो गए तो फिर आप जो है बाकी चीज़ों में पास होके भी आप नहीं कर सकते। बाकी डेस्ट है, डेस्ट सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दिया गया इस बार, डेस्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। सो अब जो है आपको मेंस के पेपर देने के बाद टेस्ट भी देना होगा, यानी कि जो टाइपिंग है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट वो भी आपको देना हो, ठीक है। तो सेशन तीन में ये 15 मिनट का होगा आपका, तो कंप्यूटर नॉलेज आपका 15 मिनट का, 15 मिनट का सेशन दो में जो आपका मिलेगा टेस्ट, ठीक है। पेपर टू ये आप जानते हो स्पेशल पोस्ट के लिए होती है, स्टैटिक्स के लिए होती है, और पेपर थ्री भी स्पेशल पोस्ट के लिए होती है। अगर हम वैकेंसी कंपेयर करें तो 2021 में जो वैकेंसी आई थी, जिसमें सीजीएल 2021-22 की वैकेंसी अगर UR की 2891, SC 1046, ST 510 और OBC की 1858, ओवरऑल जो है ये आपकी 70535, और यही 2019-20 में ये वैकेंसी ज़्यादा थी 8582, जिसमें UR की 3675-74 वैकेंसी थी। तो ये मैंने वैकेंसी दो सालों की बता दी, जैसे ये आप देख रहे हो या आप 2021 की वैकेंसी देख रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके देख रहे हो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 151 पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 250 पोस्ट है। अगर हम बात करें ऐसे ही तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो है CBDT में, ये प्यारे विद्यार्थियों 202 पोस्ट है, जबकि अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट 2021 में बढ़ गई है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये देखो 2020 का है, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 500 पोस्ट है। अगर यहाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ 208 पोस्ट है, तो इन दोनों सालों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 6 पोस्ट ज़्यादा है। अगर हम बाकी पोस्ट की बात करें, जिसमें नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट है 31 पोस्ट,
सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 57 जो कि सीबीआई में है, और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट 70 है, और इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट जो है वो 123 थी। तो हम ये पोस्ट क्यों दिखा रहे हैं आपको, ये कंपेयर करेंगे हम 2022 के साथ। अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, यहाँ 1260 पोस्ट है, बाकी आप इधर देखो यहाँ 500 है और यहाँ पर 250 है, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की देखोगे 202, सेक्शन ऑफिसर 998, ऐसे करके पोस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पोस्टल असिस्टेंट सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। अगर हम बात करें इंस्पेक्टर की, जो कि सेंट्रल एक्साइज में है, वो 1113 है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की। यहाँ पे आप एग्जामिनर की पोस्ट देखो 614 है, और अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर की नारकोटिक्स में, ये 7 पोस्ट है, यानी कि बेसिकली इस बार कम है। टैक्स असिस्टेंट जो कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, इसकी 3140 पोस्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों कट ऑफ की, तो ये आप देख रहे हो कि 557 कट ऑफ गया है यूआर कैटेगरी की सेक्शन ऑफिसर की। उसी तरह 576, 601 आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, ठीक है, एमईए में। तो ये पोस्ट ऐसे भी हाई होती है, हाई कट ऑफ वाले पोस्ट होते हैं। और 572, ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 में जो सीजीएल हुआ था उसके ये सारे आपके डाटा दिए गए हैं, ठीक है। बड़े बड़े पोस्ट जितने भी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, सबके डाटा मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप देखो कि एक पोस्ट जो है 700 नंबर का ये पेपर होता था पहले, 700 में 587 नंबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 83% जो है वो मेरिट गई है यहाँ पे, ठीक है, कट ऑफ बना है। तो हम अब बात करेंगे इस बार सेफ अटेम्प्ट की 2023 में, यानी 2022 के प्री मेंस का। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर बनना है तो यूआर कैटेगरी में आपको मिनिमम 330 नंबर लाने होंगे। अब आपको पता है कि जो मेरिट हमारी बनेगी वो 390 नंबर बनेगी, यानी मेंस में जो 390 नंबर्स हैं टोटल ओवरऑल उसमें बनेगी। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यूआर कैटेगरी में आपको 330, ओबीसी में 318 और ईडब्ल्यूएस में 316 नंबर, बाकी एससी में 295 और 280 लाने होंगे। इसी के आसपास आपको मेरिट देखने के लिए मिलेगी, कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। ये सेफ स्कोर है आपका, सेफ अटेम्प्ट है। सीएसएस की अगर मैं बात करूँ तो 340, 325, 319 और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे एससी एसटी के लिए मिलेगी। एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आपको जो भी वैकेंसी है इसमें आपको 348 यूआर कैटेगरी के लिए, 332 ओबीसी के, 336 ईडब्ल्यूएस और 290 जो हैं वो आपको मिलेंगे एससी एसटी के लिए। यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है एमईए में वो बहुत कम है। साथ ही अगर मैं बात करूँ 24 और जितने भी पोस्ट हैं जो 2400 ग्रेड पे के या फिर 2800 ग्रेड पे के हैं, यूआर कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिलेगा 285 नंबर पे, 270 नंबर आपको ओबीसी, 260 ईडब्ल्यूएस, 220 और 208 ये आपको मिलेंगे एससी एसटी के। बाकी 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे में आपको 320 नंबर, 305 नंबर, 308, 265 और 255 के लगभग सेफ अटेम्प्ट है ये। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट है, लेकिन सेफ अटेम्प्ट है। इसके आसपास ये जो है आपकी मेरिट, आपका कट ऑफ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो सभी लोग इस हिसाब से अपनी तैयारी करके जाना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जब आप इतने क्वेश्चन को कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बाकी भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा वो भी आप आराम से कर पाओगे। सो अगर आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका चला है। 16 से 21 फरवरी के बीच में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा सभी एसएससी एस्पायरेंट और रेलवे एस्पायरेंट के लिए। नौकरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। एसएससी सीजीएल अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो 5399 में, और दिल्ली पुलिस इसी फीस में आपको पूरी की पूरी तैयारी कर लेंगे। आपको नोट्स मिलेगा, पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड याद कर लो, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा इस डिस्काउंट कोड का यूज़ कर लेना। ये डिस्काउंट कोड एसएससी के साथ साथ यूपीएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, आईआईटी, नीट और सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो एज अ डिस्काउंट कोड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और ये कट ऑफ ध्यान में रखते हुए आप मेंस के एग्जामिनेशन दो, तैयारी करो, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन।